हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम देखेंगे एसबीआई पीओ के लिए आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, इजी लेवल नहीं है, हार्ड लेवल नहीं है, बीच के लेवल के क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ, जो कि शायद अगर आप उसको ऊपर से खाली उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टफ है, लेकिन वो टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसे आराम से करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक नई टेस्ट सीरीज है आईबीपीएस गाइड की, यहाँ से मैंने लिए हैं। एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस कुछ फ्री मॉक भी गिवन है एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के लिए, तो उनको भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हिंदी वाले पर्सन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड मूव करते हैं क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 फ्रेंड्स, अजय, राजेश, मागेश, कातिर, सतीश, नवीन, वेलू, गोपी एंड श्रवणन आर लिविंग इन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। वो कैसे रहते हैं? 9 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट एज। उन सारे ही पर्सन की डिफरेंट एज है। और एज कैसी है? 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 30। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर वगैरह का पता होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होगी, लेकिन नहीं पता है तो आप इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लें। ठीक है, वैसे तो बेसिक सी चीज़ है, याद ही होगा, है ना, क्यों कौन सा नंबर किसका स्क्वायर होता है, प्राइम नंबर है, ऑड है, बेसिक सी चीज़ है। ठीक, लेकिन जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कब यहां पर एज की बात कही जा रही है और कब यहां पे फ्लोर की बात कही जा रही है, क्योंकि दोनों में आपका नंबर है। कभी वो प्राइम नंबर की अगर बात कर रहा है तो वो एज से रिलेटेड कर रहा है, या फिर आपका फ्लोर के नंबर से रिलेटेड कर रहा है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ अपनी, तो वो ये है कि आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप एक बार में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और कोई भी लाइन का गलत मीनिंग निकाल लेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे और फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब टफ ना होते हुए भी हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोर के नेम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक बार जो एज होती है वो अपने पेपर पे जरूर उतार लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जब भी वहाँ वो बात करेगा कि ऑड नंबर मिलेगा, 5 का मल्टीपल मिलेगा, 7 का मल्टीपल मिलेगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, तो वो आपको ढूंढने में मतलब जब पेपर पे लिखा होगा तो वो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, इसमें समय बिल्कुल नहीं जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें समय जाता है, ऐसा करेंगे तो कितना कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समय लग रहा है तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करिए। ठीक, कोई समय नहीं लगता ज़्यादा इसमें। तो एज है यहाँ पे 30, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23 एंड 21 और 18। ओके, ठीक, जब भी इस तरीके का कोई पॉइंट आए, जैसे कि यहाँ पे ये कहें कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब अलग हटा के लिखें। जब भी आपका इस तरीके से आए कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो आप क्या सोच के लिखेंगे कि ए जो है उसको ऊपर की एज मिलेगी, बी जो है उसे नीचे की एज मिलेगी, तो ए जो है वो बी से ऊपर आएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप दोनों को अलग अलग कर लें, आप ये ना समझ जाएं कि यहाँ पे ए और बी का जो पैटर्न है वो हमने फ्लोर के लिए लिया है। ठीक, या फिर अगर आपने कुछ फ्लोर के लिए लिया है तो आप उसे गलती से एज के लिए ना समझ लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लिख लें फिर आपको यही समझना आए कि किसके लिए मैंने लिया था। ओके, तो इसके लिए आप क्या करें, एक लाइन बना लें और फिर उसको अलग अलग कर दें कि हाँ इस टाइप का पॉइंट आएगा तो मुझे इधर लिखना है और इससे रिलेटेड पॉइंट आएगा तो मुझे इस साइड में लिखना है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो उसका। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राजेश इज द यंगेस्ट पर्सन। राजेश जो है वो यंगेस्ट पर्सन है एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 7। तो राजेश जो है वो यंगेस्ट पर्सन है, यानी कि राजेश को सबसे छोटी एज मिलेगी जो कि हो जाएगी 18 साल, और ये कैसे रह रहा है, ये आपका इवन नंबर पे है एंड बिलो द फ्लोर नंबर 7, यानी कि 7 नंबर के फ्लोर से नीचे है। तो यानी कि इसको 6 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, तो इसी के आगे कुछ नहीं करना है, खाली 6, 4 और 2, ठीक, बस ये आप लिख लोगे।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं टू पर्सन लिव बिटवीन राजेश एंड श्रवणन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ थ्री. तो राजेश एंड श्रवणन में आपका दो का गैप आएगा और श्रवणन की जो एज है वो थ्री की मल्टीपल है. ओके दूसरी बात, अभी आप लोग पॉसिबिलिटी मत बनाइएगा क्योंकि अगर छः की पॉसिबिल अगर आप छः को यहाँ पे लिखते हो, सॉरी राजेश को अगर आप छः पे लिखते हो तो श्रवणन की दो पॉसिबिलिटी तो इसमें बनेंगी. फोर पे लिखते हो तब भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी और टू पे लिखते हो तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी. बेसिकली अगर आप इस पॉइंट का यूज़ करते हो तो आपकी पाँच पॉसिबिलिटीज निकलेंगी. ठीक, तो अभी आप इसे स्किप करेंगे क्योंकि इसमें पोजीशन फिक्स नहीं है. अगर इसमें पोजीशन फिक्स होती कि श्रवणन जो है वो नीचे के फ्लोर पे रहता है या ऊपर के फ्लोर पे रहता है तब हम इन पॉसिबिलिटीज को ले सकते थे. ठीक है, तो मैंने आपको पीछे का लॉजिक भी बताया कि क्यों नहीं लेंगे. ओके, तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखकर आप समझ पाते हैं कि इस पॉइंट को हमें पिक करना है या नहीं करना है. आगे कह रहे हैं यहाँ पे द पर्सन हुज एज इज 24 लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर. तो वो पर्सन जिसकी एज 24 है वो सबसे नीचे रहता है. सो यहाँ पे आपका जो पर्सन है उसकी एज क्या होगी, आपकी 24 होगी. आगे कह रहे हैं मगेश एज इज प्राइम नंबर एंड लिव्स ऑन अ थर्ड फ्लोर. तो मगेश की जो एज है वो क्या है, प्राइम नंबर है. तो पहले तो आप इसको लिख लो कि ये थर्ड फ्लोर पर आएगा और इसकी एज जो है वो प्राइम नंबर है. तो 30, 28, 27 इन सब में आपका प्राइम नंबर क्या है, 23 है. सो 23 है तो आप थर्ड नंबर पे 23 लिख दोगे. इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं, है ना. आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं वन पर्सन लिव्स बिटवीन मगेश एंड काथिर हुज एज इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर. तो यहाँ पे कह रहे हैं मगेश और काथिर में एक का गैप आएगा और काथिर जो है उसकी गैप उसका जो सॉरी एज है वो फोर का मल्टीपल नहीं है. तो देखो यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती कि आपका काथिर जो है वो फाइव पर भी आ जाता एंड वन पर भी आ जाता. लेकिन अब देखो वन पे नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे 24 है, ये फोर का मल्टीपल है. इसलिए काथिर आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक, और इसको फोर का मल्टीपल नहीं मिलेगा तो एक तो उसे 24 नहीं मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा इसे क्या नहीं मिलेगा, 28 नहीं मिलेगा. और कोई फोर का मल्टीपल है यहाँ पे, तो और कोई फोर का मल्टीपल नहीं है. ठीक, तो 24 एंड 28 काथिर को नहीं मिलेगा. खाली 28 भी लिख सकते हो क्योंकि 24 तो आपका ऑलरेडी फिक्स है ना. आगे देखते हैं तो गिवन है अजय लिव्स ऑन द 8th फ्लोर एंड हिज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो अजय जो है वो कहाँ रहता है, 8th फ्लोर पे रहता है और इसकी एज मल्टीपल है 7 की. तो 7 की मल्टीपल है तो देखो 7 का क्या क्या मल्टीपल है, एक तो 28 है तो इसकी 28 हो सकती है. इसके अलावा 21 है. तो अजय की जो एज है वो या तो 21 होगी या फिर 28 होगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं वेलू एंड सतीश आर इमीजिएट नेबर. तो इमीजिएट नेबर का मतलब इनका फ्लोर आपका साथ साथ होगा. तो यहां पर हम लिखेंगे वेलू ठीक. देन आगे कह रही है नवीन एज इज 28. नवीन की जो एज है वो 28 है एंड डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर. तो इवन पर आएगा, इसका मतलब एक तो ये हो गया कि नवीन जो है वो कहाँ पर आएगा, आपका इवन पर आएगा. और इसकी एज जो है वो 28 है, ये भी लिख लो कि प्लस अभी आपको जो मिला था कि 28 एंड 21 में पॉसिबिलिटी है इसे तुरंत हटा दोगे. तो आपकी मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप तुरंत जो आपने लाइन पढ़ी है वो आप इतनी जल्दी भूलें ना, अदरवाइज तो पजल बनाने में बहुत दिक्कत आएगी आपको. ठीक, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए. आगे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ श्रवणन एंड मगेश इज 4. तो श्रवणन और मगेश की जो एज है उनके बीच का डिफरेंस 4 है. तो यहाँ पे अगर आप मगेश की जो एज है 23 उसमें से अगर आप 4 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 19 आएगा. तो क्या 19 यहाँ पे गिवन है, 19 यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए इसमें हम 4 प्लस करेंगे और 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27. यानी कि जो श्रवणन की एज है वो कितनी होगी, 27 होगी. प्लस हमको यहाँ पे एक बात और कही गई थी कि 3 का मल्टीपल भी होगी, तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. आगे देखोगे तो गिवन है द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिलो वेलू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव अजय. तो अजय के अबव जितने पर्सन है उतने ही वेलू के नीचे आएंगे. सो अजय के ऊपर एक है यानी कि वेलू के नीचे एक होंगे और प्लस इसका सतीश जो है वो इसका इमीडिएट नेबर है तो सतीश आ जाएगा यहाँ पे. ठीक, इसको आप हटा दोगे. उसके बाद गोपीज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 5. गोपी की जो एज है वो मल्टीपल होगी 5 की. तो 5 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, एक तो 25 और एक 30. तो या तो इसकी एज 25 होगी या फिर इसकी एज 30 होगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. गिवन है द एज डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु लिव्स ऑन द 9th फ्लोर एंड 2nd फ्लोर इज 3. तो जो डिफरेंस बोला है इन्होंने 9 में और 2nd फ्लोर वाले की एज में, वो आपको 3 का डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2nd और डिफरेंस का साइन लगा के 9th. ठीक, और 2 का डिफरेंस होगा. ठीक,
अब देखो यहाँ पे आपका राजेश को लेकर यहाँ पे हिंट है कि 6, 4 एंड 2 इनमें से कुछ मिलेगा, तो 2 तो मिलेगा नहीं, या तो इसे 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। ठीक, तो एक एक करके देख लो, पहले इसको 4 लेकर देख लो। ठीक, यहाँ पे हो सकता है कि आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, लेकिन अगर एक पॉइंट को लेके आपकी दो पॉसिबिलिटी बनाए, आप इतना फिक्स कर चुके हो, तो आप छोटा सा लिखकर और कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लिया करो कि हो रही है या नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली पॉसिबिलिटी जो आप पिक करते हो उसी में आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, आपको दूसरा करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो यहाँ पर अगर मैं राजेश को लिखती हूँ तो आपका 1 एंड 2 को गैप, 2 का गैप करके आपका क्या आ जाएगा, श्रवण अन आ जाएगा। ठीक, एंड श्रवण अन के बाद यहाँ पर आ जाएगा 27। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नवीन को इवन नंबर मिलेगा, 28 मिलेगा, तो नवीन यहाँ पर आ जाएगा एंड इसको क्या मिलेगा, 28। ठीक, एंड गोपी को 25 या फिर 30 मिलेगा, तो गोपी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसे 25 या फिर 30 में से आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी कैसे दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो सॉरी, देखो दोनों में से क्या दे सकते हो, अगर मान लो इसको 25 देते हो तो आपका यहाँ पे गिवन है कि 9 एंड 2 का गैप जो है वो 2 का होगा, है ना। तो अगर 25 दोगे तो 2 माइनस करोगे तो 23 आना चाहिए, सेकंड पे बट नहीं आ सकता, और 2 प्लस करोगे तो 27 आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आ सकता, है ना। तो इसलिए आप क्या नहीं दोगे, 25 नहीं दोगे, आप 30 दोगे। अब 30 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 28 होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए, लेकिन 28 भी आप नहीं दे सकते क्योंकि 28 भी फिक्स है ना। इसलिए हमारी जो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कट जाएगी और राजेश जो है वो आपका 6 पे नहीं आएगा, सॉरी राजेश जो है वो आपका 4 पे नहीं आएगा, और राजेश कहाँ पर आएगा, आपका 6 पर आएगा। अब राजेश यहाँ पर आएगा तो श्रवणन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, इसको आप 27 दोगे और 27 में अगर आप यहाँ पे 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो 25 आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि प्लस करके तो 29 आएगा, 29 तो आप दे नहीं सकते, तो आप यहाँ पे 25 दोगे। ओके, एंड फिर आप नवीन दोगे तो नवीन यहाँ पर दोगे, है ना। इसको इवन नंबर देना है हमें, नवीन को क्या मिल जाएगा, 28, राजेश को हमें 18 नंबर देना है तो वो दे दोगे, गोपी को 25 या फिर 30 दिया जाएगा, तो पहले गोपी को लिख लो यहाँ पे, है ना। एंड 25 तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है सेकंड पे, तो गोपी को क्या दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा काथिर की एज बची है तो उसको लिख लो, क्या आएगा, 30 तो हो गया, 28 भी हो गया, 27 हो गया, हो गया 26, 26 नहीं हुआ है ना, तो 26 एज होगी काथिर की। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। देखो पॉसिबिलिटीज थी ही नहीं इसमें, लेकिन क्वेश्चन को अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में लगता है ना जब प्री में क्वेश्चन खुलता है तो, लेकिन जब भी क्वेश्चन लेंदी है पढ़ा करो, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, वो सिर्फ लेंदी में आपकी जो रीडिंग स्किल होती है उसको चेक कर रहा होता है कि आप कितनी जल्दी पढ़ते हो, कितनी जल्दी समझते हो, कितनी जल्दी करते हो। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कह रहे हैं द एज डिफरेंस द पर्सन हु लिव्स ऑन द 9th फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर इज 3। आई एम सॉरी, अच्छा ये 3 है तो इसको ठीक कर लो, यहाँ पे 3 है तो क्या होगा, ये 3 प्लस हो जाएगा 30 और 5, 25 इसको मिल जाएगी। ओके, अच्छा ये 3 था, मैंने 2 लिख दिया इसको, तो इसको 3 कर लेना, है ना। तो जब 3 है तो 27 में 3 माइनस करोगे तो तब 24 तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 24 ऑलरेडी फिक्स है, तो 27 में आप 3 प्लस करोगे तो 30 यहाँ पर आ जाएगा, और 30 जब इसे मिल जाएगा तो जो गोपी के आपकी पॉसिबिलिटी थी 25 एंड 30 की, वो ठीक हो जाएगी एंड 25 हम गोपी को दे देंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पे कौन रह रहा है, नवीन, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन वट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ राजेश एंड वेलू, राजेश एंड वेलू की एज का डिफरेंस क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 21 एज किसकी है, 21 किसकी एज है, अजय की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 14 स्टूडेंट हैं कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, या 11 को करेंगे या 18 तारीख को करेंगे। ठीक है, एंड 7 डिफरेंट मंथ्स हैं सेम ईयर के, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक, तो 7 मंथ्स हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं, 2 डेट है, 14 का हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन से मंथ है, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, फरवरी, ठीक है, फरवरी को हम 2 बार यहाँ पे यूज करेंगे एंड फिर आ जाएगा आपका अप्रैल
थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, फरवरी, ठीक, फिर अप्रैल, फिर मई, उसके बाद जुलाई, अगस्त और नवंबर, ठीक है। डेट कौन कौन सी है? 11th एंड 18th, ठीक। हाँ तो 11 और 18 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें ये ध्यान देना कि जब वो गैप की बात कर रहा है, अभी खैर अभी शायद पहले ही एक लेक्चर पढ़ा था तो उसमें किसी को कंफ्यूजन भी था, हालांकि मैंने इतना एक्सप्लेन करके उस बात को समझाया था, फिर भी उसमें एक पर्सन ने ये कहा था कि मतलब उसमें गैप जो था वो डेज का था और उसको ये लग रहा था कि यहाँ पे जो इवेंट हो रहे थे उनका गैप है। तो आप लोग सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सीधे आप आंसर पर आ जाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मैडम आपने गलत कराया था। गलत नहीं होता है, एक बार आप उसको देखो भी तो सही कि मैंने उसको एक्सप्लेन भी करा है, गलत को कैसे एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो उसको देखा भी करो। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मई के बाद इन्होंने जून गायब कर दिया है और जुलाई लिख दिया है, ठीक। अब किसी पर्सन का एग्जाम मई में है और वो बोले कि पी का एग्जाम मई में है और पी एंड क्यू के बीच में आपका एक मंथ का गैप है, तो आज जरूरी नहीं है कि आप क्यू को जुलाई नहीं दोगे, आप क्यू को एक्चुअली जुलाई दोगे क्योंकि जून इसमें गायब है, वही एक मंथ का गैप हो गया है, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और ये तभी होता है जब आपको मंथ का गैप करके ये लोग लिखते हैं, ठीक। सीधा सीधा दे देंगे तो दिक्कत नहीं आती, जब गैप करके लिखते हैं तो दिक्कत आती है। इन्होंने कहा है कि पी जो है वो 11 अप्रैल को ज्वाइन करता है, सो पी 11 अप्रैल को ज्वाइन करता है तो पी को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन बिटवीन वाई ओ एंड वाई इज सेम एज बिटवीन वाई एंड एस, तो ओ और वाई के बीच में जितने आपके स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतना ही वाई और एस के बीच में करेंगे, इसका मतलब आपका ओ और एस के बीच में वाई कहीं पर आएगा, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं एस ज्वाइन आफ्टर ओ, एस जो है वो ओ के बाद ज्वाइन करेगा, तो यानी कि ठीक है ये वाला सीक्वेंस रहेगा, ओ पहले फिर थोड़ा गैप करके वाई आएगा फिर थोड़ा गैप करके एस आएगा, या हो सकता है बिल्कुल गैप ना हो, ठीक। आगे गिवन है एक्स ज्वाइन बिफोर वी, एक्स जो है वो वी से पहले ज्वाइन करता है, यू ज्वाइन बिफोर एस, यू जो है वो एस से पहले ज्वाइन करता है, ठीक। देन फोर स्टूडेंट्स ज्वाइन पी एंड एम, पी और एम के बीच में चार स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, सो 1 2 3 4 का गैप करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका एम आ जाएगा, ठीक। देन आगे कह रहे हैं टू स्टूडेंट्स ज्वाइन बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में दो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हो इसकी, 1 एंड 2 का गैप करोगे तो एन यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप करोगे तो एन यहाँ पे, ठीक। आगे कह रहे हैं वी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर एन, वी जो है वो इमीडिएटली बिफोर करेगा यहाँ पे एन से, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, एन वी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं टी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर क्यू इन द सेम मंथ, टी जो है वो क्यू से तुरंत पहले ज्वाइन करेगा और सेम मंथ में करेगा, तो इस वाले डायग्राम में देखो कौन कौन से सेम मंथ खाली है, फरवरी खाली है, मई भी खाली है, नवंबर भी खाली है, काफी खाली है, तो अभी रुक जाओ, ठीक, लिख लो यहाँ पे सेम मंथ, नॉट मोर देन 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन जेड एंड एस हु ज्वाइन बिफोर जेड, तो एस और जेड के बीच में आपका एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो एस के बीच में या तो एक का गैप होगा या फिर आपका 0 का गैप होगा, ठीक है, या तो आपका एक का होगा या फिर एक का भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट मोर देन, यानी कि आपका 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, तो यानी कि 0 भी होगा, दोनों तो एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका एक का गैप हो, ठीक। आगे कह रहे हैं ज्वाइन जेड ने ज्वाइन करा है 18 अक्टूबर को, तो हम यहाँ पे 18 अक्टूबर को जेड को दे देंगे, अच्छा ये वाला डायग्राम तो आपका कट जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये कहा गया है कि एस जो है वो पहले ज्वाइन करेगा, या तो तुरंत पहले करेगा या फिर आपका एक का गैप देके करेगा, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई तो हो नहीं रही है, इसलिए आपका ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक। तो इसे मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसी में मैं आपकी एक पॉसिबिलिटी को और बना दे रही हूँ, ठीक। पॉसिबिलिटी ये है कि या तो एस यहाँ पर आएगा या फिर एक का गैप देकर आएगा, ओके। फिर आगे देखते हैं 4 पर्सन ज्वाइन बिटवीन जेड एंड आर, जेड और आर के बीच में 4 पर्सन ज्वाइन करेंगे, सो 1 2 3 4 का गैप करके आर यहाँ पे, 1 2 3 4 का गैप करके आर यहाँ पे, ठीक। ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, नीचे की तरफ तो स्पेस नहीं है। देन एक्स और डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर यू, एक्स और जो डब्ल्यू है वो यू से पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं
यू एन टी, ओके यू एन टी दोनों से पहले ज्वाइन करेंगे, डब्ल्यू ज्वाइन आफ्टर वी, डब्ल्यू जो है वो वी के बात करेगा, ठीक। यानी कि कुछ इस तरीके से सिक्वेंस आएगा, आपका एक्स आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, और फिर डब्ल्यू के बाद आपका यू और टी में से कुछ आएगा, ठीक। इस तरीके से अगर आप इसको और इसको दोनों को मिला लें तो ये आपका बनेगा, है ना। चलो अब इसको हम लोग फिक्स करते हैं। टी एंड क्यू को पिक करोगे तो इनका तो अगस्त भी बन रहा है, अभी भी फरवरी भी बन रहा है और ये नवंबर ही बन रहा है, तो रुक जाओ इसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये बीच में आएगा, एंड एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था ना कि सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे इनके बीच में। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ओ को लिखते हो, ओ सॉरी यहाँ पे आप वाई को लिखते हो, तो 1 2 3 4 का गैप है, सो 1 2 3 4 का गैप करके ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें भी अगर आप वाई यहाँ पे लिखते हो तो 1 2 3 का गैप है, यहाँ पे 1 2 3 का गैप है, तो यहाँ पर 1 2 3 का गैप होगा और ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो दोनों में आपका ओ वाई एस फिक्स हो जाएगा, इसको अब आप हटा दो। उसके अलावा देखते हैं, तो एस के ऊपर यू आएगा, ठीक, एंड यू के ऊपर डब्ल्यू वी और एक्स आएगा। देखो एस के ऊपर एक तो यू आएगा, फिर यू के ऊपर आपका क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, वी आएगा और एक्स आएगा। तो यानी कि बेसिकली आपका एस के ऊपर 1 2 3 4 चार जगह आपकी खाली होनी चाहिए, जिसमें से आपका वी तो फिक्स ही हो चुका है, तो आप वी को हटा दो, वी के ऊपर एक्स आएगा, तो हिसाब से आपका एक्स यहाँ पर आ गया। एस के ऊपर यानी कि यू और डब्ल्यू आएंगे, सो एस के ऊपर आपका यू एंड डब्ल्यू आएंगे, तो इस कंडीशन में तो आपका यू और डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में आपका यू एंड डब्ल्यू में से कोई एक ही आ पाएगा, तो कोई एक तो हमें लाना नहीं है, हमें दोनों लाने हैं, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे कट जाएगी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। तो एस यू बी डब्ल्यू फिक्स हो गए, यू एस ये भी फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा ये रह गया, तो इसको यहाँ फिक्स कर दो लास्ट में, हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, काफी लोग इस पैटर्न से करते हैं, तो वो इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि उस पैटर्न से करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें काउंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपकी कमांड है तो आप इसी को करें, चेंज मत करो, पेपर निकालना है खाली, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट ज्वाइन कोचिंग ऑन 18 मई, 18 मई को किसने कोचिंग को ज्वाइन करा है, सो 18 मई को यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करा है वाई ने, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी स्टूडेंट सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी एंड डब्ल्यू के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है और डब्ल्यू है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टूडेंट है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ जेड ज्वाइन द कोचिंग, तो जेड कब ज्वाइन करता है यहाँ पे, 18 अक्टूबर को, सो 18 अक्टूबर को करता है, सो ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। देन इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दो, और पेपर में अगर इस टाइप का एमसीक्यू आए जिसमें आपको इतने सारे स्टेटमेंट हो, तो अगर आपको पहले में आपका आंसर मिल जाता है तब भी बाकी के तीन चेक करा करो, क्योंकि बाकी के तीन मैच नहीं होने चाहिए, अगर बाकी के तीन मैच हो गए तो फिर तो गड़बड़ है, उसको सुधार सकते हो आप, वहां पे आपको टाइम मिल जाता है, तो इसको चेक करा करो, इससे आपका क्रॉस चेक हो जाता है एक बार क्वेश्चन। तो इस सेशन को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ, एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इसमें अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और जो मेल पर आपने क्वेश्चन भेजे हैं उनको भी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगी। सो बने रहे करंट अफेयर्स फंडा पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।